हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2016 क्वेश्चन पेपर लेके। पहले वाला पार्ट जो लोग नहीं देखे हो, यूपीपीसीएल जेई बोर्ड का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके देख लीजिएगा। और किसी को अगर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 126, which of the following are not a type of insulator used in overhead line? Pin type, shackle type, strain type, suspension type. तो ये जो चार दिया हुआ है, चारों का चारों ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा नन। 126 देखिए, फॉर इंडस्ट्रियल कस्टमर्स डैश इज यूज, जो कि टैरिफ से दिया हुआ है, टू पर टैरिफ यूज होता है इंडस्ट्रियल कस्टमर में। 128 देखिए, which of the following statement is false? यहाँ पे जो दिया हुआ देखिए, the amount of tidal energy is independent of range of tides. तो ये बिल्कुल dependent है, लेकिन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, independent दिया हुआ है, तो इसलिए false है। 129 का देखिए, if a conductor of length L is moving with a velocity of V in a magnetic field V, the induced EMF will be VLV. 129 का VLV. 130 का देखिए, cranes generally offers reversing load and heavy start. तो heavy start मतलब initial condition में high torque चाहिए होता है, और reversible load मतलब reversing load मतलब होता है कि जो load दोनों मतलब direction जो है load का दोनों time जाएगा, या तो मान लीजिए कि up down भी बता सकते हो, तो पुश पुल दोनों काम करेगा, उसी को बोलते हैं कि रिवर्सिंग लोड। ओके, 131 देखिए, व्हिच टाइप ऑफ लाइटिंग सिस्टम इज यूजुअली एम्प्लॉयड इन सिनेमास, डांसिंग हॉल्स एंड डेकोरेशन इन होटल्स। तो यहाँ पे होगा इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। तो जो लोग सिनेमा हॉल में गए हो, या तो डांसिंग हॉल या तो थिएटर हॉल में गए हो, तो वहां पे देखे होंगे आपका जो लाइट रहता है वो डायरेक्ट लाइट नहीं रहता है, इनडायरेक्टली रिफ्लेक्शन होकर आता है वो लाइट, ठीक है, इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। 132 देखिए, एसर्शन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग इज यूज्ड इन डीसी मशीन्स। रीजन दिया हुआ है देखिए, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग रिड्यूसेस स्पार्किंग इन डीसी मशीन। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो दोनों ट्रू है और बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 133 देखिए, व्हिच टर्बाइन इज डिपिक्टेड बाय द गिवन पिक्चर, ये पिक्चर के द्वारा कौन सा टर्बाइन दिखाया जा रहा है यहाँ पे? तो ये है पिल्टन हुई, ठीक है, ये जो हुई है इसको पिल्टन हुई बोलते हैं, जहाँ बकेट लगा हुआ है छोटा छोटा करके, और वाटर प्रेशर देखे इसको घुमाता है, ठीक है। 134 देखिए, इन ए सोडियम पेपर लैम्प बोथ सोडियम एंड न्यून आर फिल्ड, गैस डिस्चार्ज टेक प्लेस, लाइट एक्सिबिटेड इज येलो इन कलर, व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो दिया है तीनों तीन करेक्ट है, बोथ सोडियम एंड न्यून फिल्ड, गैस डिस्चार्ज टेक प्लेस, लाइट एक्सिबिटेड इज येलो इन कलर। 135 देखिए, इफ इन ए सर्किट ब्रेकर द लेंथ ऑफ एन आर्क इंक्रीजेस देन द आर्क रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ओके, तो आर्क रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। 135 का आंसर होगा बी, मतलब टू। 136 देखिए, जो कैंडिडेट था वो हिंदी सिलेक्ट किया था यहाँ पे, तो हिंदी आया है यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है? इसमें देखिए, सीएफएल में बिजली की बहुत खपत होती है, यह बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि सीएफएल लैंप इसीलिए यूज करते हैं कि जो हम लोगों का पावर कंजम्पशन है सबसे कम हो सके, कम वाटेज हो सके। ओके, 137 देखिए, मुख्य ध्रुव के संदर्भ में छादित ध्रुव की स्थिति निर्धारित करती है एक हिस्टेरेसिस मोटर के रोटेशन की दिशा। ओके, 137 का आंसर है तीन। 138 का देखिए, एसी ट्रांसमिशन प्रणाली में कोरोना हानि के कम करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय लिए जाते हैं? जो होगा, कंडक्टरों के बीच के दूरी बढ़ाई जाती है, तो कंडक्टर के बीच के दूरी जितना बढ़ाएंगे उतना कोरोना लॉस जो है कम होगा। 139 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेडेड पोल मोटर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, कैपेसिटर, कम्यूटेटर। तो ये कोई भी सेडेड पोल का, सेडेड पोल मोटर का कोई पार्ट नहीं है, तो इसलिए आंसर होगा 1, 2, 3। फॉर कॉन्स्टेंट स्पीड लाइन सेफ्टिंग डैश टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज, पर सांड टाइप ऑफ डीसी मोटर, क्योंकि सांड टाइप का जो मोटर होता है इसमें स्पीड लगभग लगभग कॉन्स्टेंट रहता है,
ओके लोड जितना बढ़ाएंगे स्पीड लगभग कंप्लीट मतलब कांस्टेंट रहता है, पूरा कांस्टेंट तो नहीं रहता, थोड़ा बहुत होता है अप डाउन लेकिन कांस्टेंट मान सकते हो उसको। यूनिवर्सल मोटर इज यूज्ड इन स्विंग मशीन, इट्स स्पीड कंट्रोल बाय फील्ड टैपिंग, वेरिंग रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, फील्ड डाइवर्सन। तो यहाँ पे वेरिंग रेजिस्टेंस 142 देखिए, फॉर मैक्सिमम पावर इन डीसी मोटर द बैक ईएमएफ इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2। अगर बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से हाफ हो जाएगा ठीक है तो मैक्सिमम पावर जनरेट होगा डीसी मोटर में। 143 देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर इज सेम एट ऑल लोड। ओके सारे लोड के लिए ये म्यूचुअल फ्लक्स सेम रहता है। 144 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग एनालॉजी, कंडक्टेंस इज टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एक एनालॉजी ये दिया है, कंडक्टर का अगर कंडक्टेंस का रिलेशन रेजिस्टेंस से है, परमिएंस का रिलेशन किसके साथ है, रिलक्टेंस के साथ हुआ। ये तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में था कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, और ये मैग्नेटिक सर्किट में दे दिया कि परमिएंस के साथ रिलक्टेंस का। 145 देखिए, वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय लैमिनेशंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन टाइटनेस ऑफ क्लैंपिंग, साइज ऑफ लैमिनेशन, व्हिच ऑफ दिस इज आर करेक्ट। जो है बोथ वन टू दोनों करेक्ट है, क्योंकि वाइब्रेशन जो होता है दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, टाइटनेस ऑफ क्लैंपिंग एंड साइज ऑफ लैमिनेशन। 146 देखिए, इफ ए गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव इट विल प्रोवाइड लार्ज डिफ्लेक्शन ऑन प्रोवाइडिंग स्मॉल करेंट। 146 का है स्मॉल करंट। 147 का देखिए, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू द कॉइल चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ओके तो फैराडे लॉ को उल्टा करके यहाँ बताया है, तो 147 का आंसर हो रहा है 1 एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ओके 148 का देखिए, the unknown inductance is measured in terms of dash in the case of Anderson bridge, so known resistance and capacitance. 149 ka dekhiye, in a measure the deflection of moving coil depends on the ratio of current in the coils, so do coil rehta hai dono coil mein current ka jo ratio hota hai wohi deflection hota hai moving coil instrument mein. Okay moving coil instrument that is मेकर में ठीक है। 149 का 2। 150 का देखिए, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज जनरली नियर नो लोड, फुल लोड, 25% लोड, 50% लोड। तो यहाँ पे होगा फुल लोड, तो 150 का आंसर होगा 2 फुल लोड। ओके तो यहाँ पे देखिए 150 रहता है जो टेक्निकल क्वेश्चन रहता है, इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन रहता है, और उसके बाद जो रहता है नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग मैथमेटिक्स रहता है, जीके भी रहता है, और हिंदी पोर्शन रहता है 10 मार्क्स का। तो वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो लोग को देखना है नेक्स्ट वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को। तब तक के लिए चलिए बाय बाय।